दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज एक और नई वीडियो के अंदर 16 घंटे पहले मतलब कल मैंने ये वीडियो डाली थी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पे। यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी चूज मत करना, वरना आप 10% का जो डिस्काउंट है उसे गवा दोगे। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देख लेना, आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। क्योंकि इस वीडियो पे काफ़ी लोगों के डाउट आए हैं कि भाई मुझे प्रीपेड ट्रांजेक्शन नहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कैसे करना है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर डिस्काउंट को आपको कैसे यूज़ करना है, 10% डिस्काउंट जो SBI के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है उसे आपको कैसे अवेल करना है, सब बताऊंगा मैं इस वीडियो को। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट का सेल पेज, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं जस्ट नॉर्मल आपको एक फ़ोन के ऊपर दिखा देता हूँ कैसे आपको प्रीपेड ऑफर को जो है वो अवेल कर। यहाँ पर आप देखो 16,500 रुपये का ये इस टाइम चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड से परचेज करते हो इसे तो आपको 1,000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा पेमेंट पेज पर। उसके बाद आप अगर SBI का कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ और मिल जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगा। तो गाइस इसे हम पहले बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये इसका पेज आएगा, इसे हम स्किप एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये एड्रेस ऊपर आ रहा है तो मैंने उसे हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर इसका पेमेंट कंटिन्यू पेज पर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर पेमेंट कंटिन्यू पेज पर चलते हैं। उसके बाद गाइस अब यहाँ पर आप देखना गाइज यहाँ पर सबसे ऊपर तो दिख रहा है गेट एडिशनल 1000 ऑफ ऑन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रीपेड ट्रांजेक्शन को ही चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास ये SBI का डेबिट कार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड। यहाँ पर आप देखो मेरे को कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो 2,250 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है स्टेट बैंक के कार्ड पे। अगर मैं बजाज फाइनेंस कार्ड से इसे परचेस करता हूँ तो मेरे को 1,000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 1,000 रुपीज़ मेरे को यहाँ पर भी ऑफ मिल रहा है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मेरे को 1,000 ऑफ मिल रहा है। आपको प्रीपेड ट्रांजेक्शन को कैसे चूज़ करना, तो जैसे हम ये प्रोडक्ट पेज पर हैं तो मैं इसे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ सिंपल सा, उसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू। और गाइज ऊपर ये एड्रेस पेज आएगा, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस कंफर्म करने का ऑप्शन देगा, वो तो हम कंफर्म करके कंटिन्यू करते हैं। और ये इसका पेमेंट पेज आएगा। तो गाइज अगर आपने कभी प्रीपेड ट्रांजेक्शन करी होगी तो यहाँ पर आपके पास जितने भी आपके कार्ड्स होंगे ATM कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सारे यहाँ पर शो कर देंगे। और उसके बाद आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मेरे कार्ड जितने भी हैं सारे सेव हैं। यहाँ पर आप देखो ये है प्रीपेड का ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ATM कार्ड, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है जो भी आपका कार्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही आप अपना कार्ड नंबर डालोगे आपको वो बता देगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, 1000। अगर आपका SBI है तो फिर 1000 प्लस जो 10% ऑफ है वो भी मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है और ऐसे आप प्रीपेड ट्रांजेक्शन को अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं बोलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।